हेलो यूट्यूबर, जो हम आर्मस्ट्रांग नंबर चेक करना देखेंगे। आर्मस्ट्रांग नंबर जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो जावास्क्रिप्ट में आर्मस्ट्रांग नंबर देखने के लिए सबसे पहले तो हम देख लेंगे बेसिक एचटीएमएल टैग ओपन है, हेड ओपन क्लोज है, हेड ओपन क्लोज है, बॉडी ओपन क्लोज है, और एक स्क्रिप्ट टैग है। तो आर्मस्ट्रांग नंबर हम इनपुट मेथड से देखेंगे। तो सबसे पहले यूजर से इनपुट करने के लिए नंबर बोलेंगे, तो इंटर एनी नंबर, नंबर दे दिए। अब क्या है, इनपुट मेथड से देखना है, तो इनपुट टाइप नंबर, आईडी दे देते हैं हम एम, एक बटन दे देते हैं इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू किसी के चेक। ये मेरा सेव करेंगे इसको, पहले देखेंगे मेरा डिजाइन कैसे है। एक इनपुट बॉक्स है और ये एक बटन है। जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे तो फंक्शन, बटन को क्लिक करने के लिए फंक्शन कॉल करेंगे। तो फंक्शन कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑन ऑन क्लिक आर्म नाम का एक फंक्शन बनाएंगे जिसको यहाँ कॉल करेंगे। अब जावा स्क्रिप्ट में आते हैं हम, स्क्रिप्ट में स्क्रिप्टिंग टैग में लिखेंगे फंक्शन आर्म, फंक्शन बना लिए। अब क्या करना है, नंबर जो वहाँ देंगे यूजर उसको एक वेरिएबल में स्टोर करके डिफाइन करना होगा। तो हर नाम इक्वल टू क्या होगा, वो नंबर होगा, कहाँ पे आएगा, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई डी एम डॉट वैल्यू हो गया मेरा। एम डॉट वैल्यू में क्या आएगा, वो मेरा नंबर आ जाएगा। अब क्या करना है हमें, तो सबसे पहले समझेंगे आखिर करना क्या है। तो उसके लिए नोट पैड, तो यूजर से नंबर लेना है। आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है, आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है, अगर हम 1/3 को चेक करना चाहते हैं, आर्मस्ट्रांग नंबर होता है जितना डिजिट हो उस नंबर में। तो इसमें 3 डिजिट है, वैसे ही 4 डिजिट 5 डिजिट, जितना डिजिट हो उतना उस पर नंबर पे पावर बैठेगा, यानी रिमाइंडर निकाल कर उस पर पावर बैठाएंगे। जैसे पहला रिमाइंडर अगर निकलेगा तो मेरा 3 निकलेगा, तो 3 × 3 × 3। यहीं अगर ये 1553 अगर 4 डिजिट का होता तो यहाँ एक और पावर बैठता। फिलहाल 3 डिजिट में देखेंगे तो कितना आएगा मेरा, 3 × 3 × 3 यानी 339 or 27। अब फिर क्या है, 5 × 5 × 5, जब 5 × 5 × 5 इक्वल टू आ जाएगा 125, और 1 का अगर इंटू कितना भी करेंगे मेरा 1 आएगा। जब टोटल को ऐड करेंगे तो मेरा आएगा 153, जब रिमाइंडर का पावर सेम होता है नंबर से तो वो मेरा आर्मस्ट्रांग नंबर होता है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एक नम वेरिएबल लेंगे जहां से यूजर से इनपुट करवाएंगे नंबर, फिर एक टेम्प वेरिएबल लेंगे ताकि नम जो है, नम नंबर जो है वो जैसे के तैसे रहे, नम नंबर के साथ किसी प्रकार का किसी प्रकार का हम छेड़छाड़ ना करें, ताकि नम के बाद में हमें नम के साथ कंपेयर करना होगा कि नंबर सही है या नहीं, इक्वल टू है या नहीं। तो इक्वल टू है या नहीं उसको सही करने के लिए हमें नम को छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद हमें सबसे पहले तो डिजिट, कितना डिजिट है उतना पावर बैठेगा, तो उसके लिए एक डिजिट काउंट करेंगे। तो डिजिट काउंट करने के लिए एक सी वेरिएबल पे हम सी इक्वल टू जीरो डिजिट काउंट करेंगे, सी इक्वल टू जीरो से सी इक्वल टू जीरो दे दिए डिजिट काउंट के लिए। और फिर क्या करना है, हमें रिमाइंडर निकालना है, पर रिमाइंडर का डिजिट निकाल, तो रिमाइंडर एक वेरिएबल दे देंगे। और क्या करना है हमें, रिमाइंडर निकालने के बाद पावर निकालना है, तो पावर के लिए एक वेरिएबल दे दिए, पी को 1 से इनिशियलाइज कर दिए। फिर उसका सम निकालना है तो सम को 0 से इनिशियलाइज कर दिए, मेरा हो गया। अब आगे पहले हम देखते हैं क्या करना है, तो पहले एक वाइल कंडीशन लगाएंगे, वाइल लूप लगाएंगे, और इसमें कंडीशन क्या, वाइल लूप लगाने से पहले क्या करना होगा हमें, टेम्प में नंबर को कॉपी कर देना है। ये हम कॉपी कर दिए। अब वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक टेम्प नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए तक।
हो गया। अब क्या करना है, जावास्क्रिप्ट और सी में अंतर क्या होता है। जावास्क्रिप्ट जो भी नंबर देते हैं या कुछ भी एंट्री करते हैं उसको स्ट्रिंग के हिसाब से लेता है, और सी में क्या होता है, यूजर को पर यूजर वो स्ट्रिंग है नंबर है वो यूजर को खुद डिफाइन करना पड़ता है। पर जावास्क्रिप्ट में क्या है, यूजर जो नंबर देता है, नंबर दे स्ट्रिंग दे जो भी दे उसको स्ट्रिंग के हिसाब से लेता है। तो स्ट्रिंग हमें क्या करना होगा, नंबर को दिखाना, यूजर से बताना होगा कि ये नंबर है, और नंबर है तो नंबर है तो नंबर को डिवाइड करने के लिए अलग रूल होता है। तो ये नंबर मेरा क्या है, डेसिमल वैल्यू में नहीं जाए इसका भी देखना होगा। तो डेसिमल वैल्यू में जाए तो कैलकुलेशन करते रह जाएगा और संभव नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, काउंट करना है। तो सी इक्वल टू कर देंगे, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, सी प्लस वन। फिर क्या करना है, इंटीजर में दिखाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, टेम्प इक्वल टू परसेंट इंट पी ए आर एस ई आई एन टी, आई बड़ा होगा कैपिटल होगा, परसेंट इंट पी ई एम पी डिवाइडेड बाय 10। डिवाइड कैसे करना है, डेसिमल वैल्यू में नहीं जाना चाहिए, सिंपली डिवाइड करना है। जैसे ही हम 153 को डिवाइड करेंगे, तो अगर हम 10 डेसिमल वैल्यू में नहीं देते हैं तो इसको क्या करेगा, पहले हम इसको देखा, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली कंसोल में दीजिए क्या करना है हमें, 153 डिवाइड 10। देखिए मेरा ये डेसिमल वैल्यू में दे रहा है, हमें डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जो मेरा भागफल है, जो मेरा जितना डिवाइड हो रहा है उसी को चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पी ए आर एस ई परसेंट इंट देंगे, और क्या करना है हमें, इसको जूम कर देते हैं ताकि आप देख सकते हैं, परसेंट इंट देंगे और उसमें 153 डिवाइडेड बाई 10 देंगे। देखिए ये मेरा 15 आया। अगर हम सिंपली देते हैं तो क्या है, सी में हम डायरेक्ट इंटर करते थे तो प्रॉब्लम क्या होता था, मेरा 15 ही लिखता था, इसलिए वो इंटीजर के हिसाब से ट्रीट करता था। यहाँ क्या है, स्ट्रिंग के हिसाब से ट्रीट करता है, तो उसको हम इंटीजर दिखाना है। जब इंटीजर दिखाना है तो उसके लिए क्या करना है, परसेंट इंट लगाना है, ताकि वो 15.3 ना आके सिर्फ 15 को ले, 3 को रिमाइंडर तो हम पहले ही हटा रहे हैं तो उसको ना काउंट करें। तो अब हम यहाँ क्या करना है, परसेंट इंट लगा के इसको निकालना है। तो ये मेरा डिजिट काउंट हो गया। अब डिजिट काउंट हो जाएगा तो क्या करना है, हमें जितना डिजिट हो काउंट होगा उतना पावर लगाना है पर रिमाइंडर पे। तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, हम टेम्प में फिर से नम को कॉपी कर लेंगे। इसलिए कॉपी करेंगे कि टेम्प क्या होता है, टेम्प जब यहाँ पे टेम्प काम किए हैं तो टेम्प क्या है, नॉट इक्वल टू या इक्वल टू जीरो चला गया है, तो टेम्प का वैल्यू जीरो हो जाएगा। अब टेम्प पे फिर से काम करेंगे तो वो तो होगा नहीं, इसीलिए टेम्प में नम का वैल्यू को फिर से कॉपी कर लिए, ताकि क्या हो, टेम्प का वैल्यू और नम का वैल्यू बराबर हो, ताकि हम नंबर पे ही जो प्रयोग करना है या जो हमको उस पे काम करना है नंबर पे करेंगे। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले टेम्प मेरा हो गया, अब क्या करना है, हम एक वाइल कंडीशन लगाएंगे, वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू जीरो, ये मेरा हो गया, वाइल कंडीशन लगा दिए। अब क्या करना है हमें, वाइल कंडीशन लगा दी, अब रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर के लिए आर ई एम इक्वल टू टी ई एम पी मॉडुलस 10, टेम्प मॉडुलस 10 मतलब हो गया जितना रिमाइंडर आएगा उसको निकालेगा। 153 में क्या हो जाएगा, टेम्प मॉडुलस 10 को आप यहां से देख सकते हैं इजीली, हर लाइन को समझिए क्या होता है। तो 153 मॉडुलस 10 जैसे ही देंगे तो मेरा जो रिमाइंडर है वह निकल जाएगा। मॉडुलस 10 में क्या हो जाएगा, रिमाइंडर निकल जाएगा। तो रिमाइंडर मेरा क्या आ जाएगा, 3 आएगा। तो वहाँ फिर क्या करना है, P इक्वल टू वैल्यू यहाँ पे 1 बैठाना है, क्या है पावर जब कैलकुलेशन करेंगे तो P हमेशा 1 से इनिशियलाइज हो। अब क्या करना है, हमें एक फॉर लूप लगाना है, फॉर I इक्वल टू 0, 0 से इनिशियलाइज हो, I लेस देन C, C के वैल्यू तक जाए, I प्लस प्लस, जीरो है का अरे जी, जब भी काउंट होता है आई काउंट होगा तो जीरो से काउंट होगा, और कहाँ तक जाना है, तो सी तक जाना है। तो पहले सी का वैल्यू क्या है मेरा, अगर 3 आता है तो लेस देन सी जाना है, क्योंकि जीरो से हम अगर काउंट कर रहे हैं तो ये क्या होगा, -1 ही होना चाहिए, -1 तक 2 तक जाएगा। अब क्या करना है, हमें पावर निकालना है, तो
पी इक्वल टू पी इंटू रिमाइंडर। अब क्या हो गया, पी इक्वल टू पी इंटू रिमाइंडर, पी का वैल्यू वन है, रिमाइंडर का वैल्यू मेरा थ्री आएगा, थ्री जैसे ही थ्री इंटू वन होगा तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पी का वैल्यू थ्री हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम जब ये लूप रन करेगा वन हो जाएगा, तो वन हो जाएगा तो मेरा फिर क्या होगा, थ्री इंटू थ्री क्या करेंगे, इंटू अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्री इंटू थ्री नाइन हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम ये लूप बढ़ेगा तो टू हो जाएगा, जैसे ही आई का वैल्यू टू होगा तो यहाँ पे फिर इंटू थ्री होगा, तो थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री 27 हो जाएगा, जब 27 हो जाएगा तो फिर क्या यहाँ कंडीशन चेक करेगा तो क्या होगा, लेस देन सी यानी थ्री तक, तो जीरो से हम काउंट किए हैं, यहाँ वन से अगर काउंट करते तो इक्वल टू सी हो जाता, तो क्या होगा ये मेरा 27 हो कि ये मेरा लूप ब्रेक हो जाएगा, जैसे ही लूप ब्रेक होगा तो वहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे सम सम इक्वल टू सम प्लस पी, पहले सम का जीरो से वैल्यू से इनिशियलाइज किए थे, जैसे ही जीरो से इनिशियलाइज किए थे यहाँ 27 आया, 27 आके क्या हो गया सम में ऐड हो गया, तो मेरा क्या हो गया सम का वैल्यू 27 आ गया, फिर 153 का रिमाइंडर निकालेगा तो 5 आएगा, तो 5 जब आएगा तो क्या करेंगे, 5 जब आएगा तो फिर P का वैल्यू 1 हो गया, पहले 27 था, यहाँ जैसे ही जाएगा 1 हो जाएगा, 1 होके फिर यहाँ से आएगा तो फिर 5 इंटू 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरा 5, फिर लूप एक बार घूमेगा तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 5 कितना हो जाएगा 15 25, अब फिर एक बार लूप घूरेगा तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 125, फिर 27 में सम का वैल्यू पहले से 27 है, जब 125 जुटेगा तो यहाँ सम 27 प्लस हो जाएगा 125, फिर रिमाइंडर निकलेगा तो क्या होगा 1 आएगा, तो 1 का रिमाइंडर 1 का अगर पावर निकालते हैं तो वो मेरा पावर 1 ही आएगा, टोटल करेंगे तो 153 आ जाएगा, तो यहाँ रिमाइंडर के लिए एक एक अंक करके घटाना है, तो यहाँ टेम्प और परसेंट इंट दे देंगे, क्योंकि ये क्या है मेरा स्ट्रिंग है, हमें इंटीजर से दिखाना है, तो पी ए आर एस ई आई एन टी परसेंट इंट क्या हो जाएगा मेरा टेम डिवाइडेड बाई टेन, ये मेरा पूरा कंडीशन पूरा हो गया, जब यहाँ कंडीशन पूरा हो गया तो देंगे इफ सम इक्वल टू नम, तो क्या करना है हमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर सकते हैं या विंडोज डॉट अलर्ट कर देंगे, विंडोज डॉट अलर्ट आर्मस्ट्रांग नंबर, अब इसको हम प्रोग्राम में देखेंगे, तो सबसे पहले हम नंबर को इनिशियलाइज कर दिए जो यूजर इनपुट करेगा, अब वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वर पी इक्वल टू वन सम इक्वल टू जीरो सी इक्वल टू जीरो और यहाँ कॉमा ही होगा, तो पी इक्वल टू वन सम इक्वल टू जीरो सी इक्वल टू जीरो काउंट करने के लिए, फिर रिमाइंडर निकालेंगे तो रिमाइंडर के लिए फिर एक टेम्प दे दिए, अब हम सबसे पहले एक टेम्प में कॉपी करेंगे नंबर को, तो टेम्प इक्वल टू नम कॉपी कर दिए, अब एक वाइल लूप लगाएंगे वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू जीरो, ये मेरा हो गया नॉट इक्वल टू जीरो, अब क्या करना है हमें काउंट करना है, तो सी इक्वल टू सी प्लस वन, फिर क्या हो जाएगा मेरा टेम्प, तो टेम्प इक्वल टू टेम्प पहले परसेंट इंट देंगे पी ए आर एस ई, ये मेरा परसेंट इंट क्या हो जाएगा टेम्प डिवाइडेड बाय टेन, ये हो गया मेरा परसेंट इंट दे दिए, तो मेरा डिजिट काउंट निकल गया, डिजिट काउंट 4153 जैसे ही आएगा तो फर्स्ट टाइम सी प्लस वन यानी सी का वैल्यू वन हो जाएगा, और यहाँ जैसे ही आएगा तो 15 को 153 को डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, 15 जैसे ही फिर यहाँ जाएगा तो कंडीशन चेक करेगा अभी इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो यानी जीरो के आसपास भी नहीं आया है, तो उसको फिर क्या करेंगे, तो क्या करेंगे फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा वन सी प्लस वन यानी पहले से वन था फिर वन टू हो जाएगा, और यहाँ फिर आएगा तो जैसे ही आएगा तो क्या हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 1, जैसे ही 15 को डिवाइडेड बाई 10 से करेंगे तो 1 आएगा, 1 यहाँ देखिएगा कंडीशन अभी भी चेक पूरा नहीं हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा फिर से 1 हो जाएगा, सी का वैल्यू 3 हो गया, फिर से यहाँ 1 को जैसे ही डिवाइड करेंगे ये लेस देन 0 हो जाएगा, या 0 से 0 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 मतलब 0 से कम होना चाहिए या 0 भी नहीं होना चाहिए, तो ये लेस देन जैसे ही 0 हो जाएगा तो यहाँ मेरा लूप स्टॉप हो जाएगा और ये सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, अब क्या करना है हमें, तो एक वाइल लूप पहले तो सबसे पहले टेम्प में नम को कॉपी कर देना है, नम को कॉपी कर दिए टेम्प में, जैसे ही नम को टेम्प में नम को कॉपी कर दिए, कॉपी करने के बाद हमें क्या करना है एक वाइल लूप लगाना है वाइल टेम्प
नॉट इक्वल टू जीरो, कब तक फिर रन करेगी, जब तक टेम्प का वैल्यू जीरो ना हो जाए तब तक। अब क्या करना है हमें, तो रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर आर ई एम इक्वल टू टेम्प मॉडुलस 10, ये मेरा हो गया। फिर क्या करना है, पी का वैल्यू 1 दे देना है, ताकि पी का वैल्यू हमेशा जैसे ही एक बार लूप से निकले तो चेंज हो जाए। और फॉर लूप बैठाना है, फॉर आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं, कहाँ तक ले जाएंगे, आई लेस देन इक्वल टू सी। वहाँ हम यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट किए थे, इसीलिए क्या है माइनस 1 तक ले गए थे, यानी 2 तक ले गए थे। हम 1 से स्टार्ट करते हैं ताकि माइनस क्या होगा, सी तक ही जाए। अब क्या करना है, 1 आई प्लस प्लस कर दिए। अब क्या करना है, हमें पी निकालना है, तो पी इक्वल टू पी इंटू रिमाइंडर, रिमाइंडर से इंटू होगा, तो फर्स्ट टाइम मेरा क्या हो जाएगा, जैसे ही ये आएगा तो 1 आएगा, तो 1 आएगा तो यहाँ पे रिमाइंडर इंटू क्या हो जाएगा, 3, पी का वैल्यू मेरा 3 हो गया। फिर यहाँ 2 आएगा तो फिर 3 इंटू 3 9 हो गया, फिर यहाँ 3 आएगा इक्वल टू हो गया, तो इस टाइम लूप रन करेगा, तो 3 इंटू 3 33 हो गया, इक्वल टू हो गया, इसलिए लूप ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद क्या हो जाएगा, मेरा पी का वैल्यू 33 आएगा, तो उसको सम में स्टोर करेंगे, तो सम इक्वल टू सम प्लस पी, सम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 27 यहाँ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, फिर यहाँ जाएगा तो मेरा 5 आएगा, 5 का फिर 125 ऐड होगा, ऐसे करके ये आगे चलेगा। अब यहाँ टेम्प का वैल्यू लिख देते, टेम्प इक्वल टू परसेंट इंट पी ए आर एस ई परसेंट इंट क्या हो जाएगा मेरा, टेम्प डिवाइडेड बाई 10, ये हो गया मेरा पूरा कंडीशन हो गया। अब क्या लिखेंगे, इफ कंपेयर करेंगे, सम इक्वल टू नम, दोनों कर देते हैं कॉन्सोल, तो इसके लिए हमें कर्ली ब्रैकेट में लगाना होगा। एक लाइन से जब ज़्यादा लिखेंगे इसमें, अगर कंडीशन एक लाइन से ज़्यादा लिखना है तो वहाँ कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, सिंगल लाइन में नहीं लगाएं, तो कॉन्सोल एन कॉन्सोल डॉट लॉग, कॉन्सोल में दिखाएगा कॉन्सोल डॉट लॉग नम, नम क्या हो जाएगा प्लस इज ए आर्मस्ट्रांग नंबर, ये हो गया मेरा। यहाँ इसको बंद कर दिए और एक कर देते हैं हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी कर देते हैं, ताकि आप कैसे स्क्रीन पे दिखाना है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट और नम प्लस देंगे, कॉन्केट करने के लिए प्लस देते हैं, कॉन्केटेशन रखता है इज ए आर्मस्ट्रांग नंबर, ये मेरा हो गया। अगर इफ में सही है तब, अब एल्स में देते हैं, एल्स कंसोल डॉट लॉग लॉग नम सॉरी नम इज नॉट ए आर्मस्ट्रांग नंबर, हो गया। अब इसको क्या करना है, फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉक्यूमेंट डॉट राइट नम इज नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर, इसको बंद कर दिए। अब ये मेरा हो गया, अब इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश कर दिए कंसोल विंडो खोल लेते हैं, कंसोल, ये मेरा कंसोल विंडो हो गया, कंसोल विंडो खोल लिए हैं। अब यहाँ चेक करेंगे 153 फर्स्ट टाइम चेक करते हैं, एरर आ गया, एरर देखना है यहाँ कहाँ पे एरर आया मेरा, टेम्प नॉट इक्वल टू जीरो क्या एरर दे रहा है, वाइल इज ओ सॉरी वाइल का पूरा स्पेलिंग यहाँ पे नहीं आया है, तो इसको ठीक करना होगा। आप जब एरर हो तो वहाँ पे
ये मेरा वाइल का जो स्पेलिंग नहीं आया था, अब सेव करेंगे, फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं। ये रिफ्रेश किए, अब क्या है 153 चेक करना है, 153 दे दिए। देखिए 153 ये आर्मस्ट्रांग नंबर, और कंसोल में देखना है तो कंसोल में जाना है तो कंसोल, ये कंसोल में भी प्रिंट किया 153 ये आर्मस्ट्रांग नंबर। फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं, अब क्या करना है हमें 154 देते हैं। जैसे ही 154 देंगे तो क्या करेगा, ये 154 इज नॉट ए आर्मस्ट्रांग नंबर, और यहाँ मेरा क्या दे दिया है 154 इज नॉट ए आर्मस्ट्रांग नंबर। फिर से रिफ्रेश करेंगे, एक फोर डिजिट का होता है 1634 को चेक करेंगे तो ये जो आर्मस्ट्रांग नंबर, और यहाँ कंसोल में भी आर्मस्ट्रांग नंबर दे दिया है। आप यहाँ पे जब क्या है, यहाँ पे हम दोनों को हटा के या सिंगल हटाएं, अगर कंसोल डॉट लॉग हटाते तो कंसोल में प्रिंट कर नहीं प्रिंट करके स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। यहाँ पे हम विंडोज डॉट अलर्ट करके भी सेम लिख सकते हैं, तो विंडोज डॉट अलर्ट कर दीजिए, विंडो डॉट अलर्ट सेम लिखेंगे नाम कॉन्केनेट करने के लिए, जोड़ने के लिए उसमें क्या लिखेंगे इज ए आर्मस्ट्रांग नंबर। सेम आप एल्स में भी लिख सकते हैं। अभी इसको फिर से रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करके यहाँ पे हम चेक करेंगे 153। ये देखिए मैं अलर्ट आ गया, अलर्ट में आ गया 153 इज नॉट ए आर्मस्ट्रांग नंबर आ गया। ओके करेंगे तो यहाँ दिखाएगा 153 इज ए सॉरी ये आर्मस्ट्रांग नंबर, 153 एक आर्मस्ट्रांग नंबर है। फिर से चेक करते हैं 153 को, 153 चेक, जैसे ही चेक किया यहाँ एक आर्मस्ट्रांग नंबर दिखा दिया। थैंक्स फ्रेंड, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर वीडियो।